डायरेक्टर जयंत सरकार पत्रकार परिषद संबोधी रहा है, सीधा जाइए त्या। एंड ये अभी इसका वीकेनिंग का दौर चालू हुआ है एंड इट इज वेरी लाइकली टू वीकेन इन टू सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। 31 अक्टूबर अर्ली मॉर्निंग को ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा वीक होके एंड फिर फर्दर वीक होके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा बाय इवनिंग ऑफ 31 अक्टूबर। ओके सो ये हो गया केआर साइक्लोन के बारे में। एक डिप्रेशन अभी बना हुआ है जो मालदीव कमरिन एरिया में डिप्रेशन बना हुआ है, इसका जो पोजीशन जो है 450 किलोमीटर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ऑफ माले है जो मालदीव्स में है, 200 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ मिनिकॉय है, 380 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ लक्षद्वीप है एंड 220 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट ऑफ तिरुवनंतपुरम है केरला। इसका जो लाइकली मूवमेंट है नॉर्थ वेस्ट वर्ड्स अक्रॉस लक्षद्वीप आइलैंड एंड ये इंटेंसिफाई करेगा इनटू डीप डिप्रेशन ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो अभी डिप्रेशन है, नेक्स्ट 24 आवर्स में डीप डिप्रेशन बनेगा एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा सब्सिक्वेंट 2 डेज में, 48 आवर्स में। ओके एंड इसका जो असर हमारे स्टेट में बहुत ज़्यादा नहीं होगा, साइक्लोन का तो असर ऑलमोस्ट खत्म हो गया बट हमको लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल मिल रहा है। लास्ट 24 आवर्स में गुजरात स्टेट में ऑलमोस्ट स्कैटर टू फेयरली वाइड स्प्रेड प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हुआ है, कुछ कुछ जगह में हैवी रेनफॉल भी हुआ है। अभी हमारा मानना है कि अगले 5 दिनों में से डे 1 में गुजरात रीजियन में डे 1 में स्कैटर्ड रेनफॉल होगा, डे 2 में आइसोलेटेड होगा, फिर डे 3 एंड डे 4 में फिर थोड़ा रेनफॉल बढ़ेगा, वो स्कैटर्ड हो जाएगा एंड डे 5 में आइसोलेटेड होगा एंड सौराष्ट्र कच्छ में डे 1 में आइसोलेटेड होगा, डे 2 में आइसोलेटेड होगा, डे 3 डे 4 में स्कैटर्ड प्रोसेस में होगा एंड डे 5 में आइसोलेटेड प्रोसेस में बारिश होगा। क्या बिल्कुल बिल्कुल हमारे पोर्ट में जैसे जब से ये कैर बना हुआ है हम लोग DW2 हमने दे रखा है तो DW2 अभी जारी है, हमारे सारे जो पोर्ट्स है सारे पोर्ट्स के लिए DW2 हमने दिए हुए हैं। ओके एंड फिशरीज वार्निंग हमारा गुजरात कोस्ट के लिए नहीं है लेकिन बाकी जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी, साउथ वेस्ट अरेबियन सी, देन योर ईस्ट सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल, ऑल दिस जगह में फिशरीज वार्निंग दिया हुआ है। अहमदाबाद में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि क्योंकि काफी मॉइस्चर भी है एंड लास्ट 24 आवर्स में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिटी में भी अराउंड 28 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है। आज थोड़ा टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर तो हो सकता है कि आफ्टरनून टाइम में लाइट रेनफॉल ओनली लाइट रेनफॉल थंडर शॉवर होने का संभावना है। હવામાન વિભાગે ફરી એક વખત આગાહી કરી છે, આગામી 5 દિવસ દરમિયાન ગુજરાતમાં વરસાદની અસર રહેશે, આવતીકાલે છૂટો છવાયો વરસાદ પડશે, જ્યારે હવે પછીના 3જા અને 4થા દિવસે વધુ વરસાદ રહેવાની શક્યતા સેવાઈ રહી છે।